अभिनंदन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे जी। इनके बाद प्रेमी रमेश जी इंसान शासन मार्ग सरसा से भजन बोलने के लिए तैयार है। धनंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। गल लागे को जिया कमलिया सतगुरु जी ने कर्म समा छड़िया। गल लागे को जिया कमलिया सतगुरु जी ने कर्म समा छड़िया। सानू मंगना पिया ना दर दर ते सानू मंगना पिया ना दर दर ते ऐसा खैर सतगुरु जी ने पा छड़िया। दर दर ते कताइया कीतिया नहीं असी होर कमाइया कीतिया नहीं असी होर कमाइया कीतिया नहीं। एक तू सोना तेरा ना सोना एक तू सोना तेरा ना सोना दम दम दे नाल पता छड़िया। गल लाके खोजिया कमलिया सतगुरु जी ने कर्म समा छड़िया। बलिहारी जावा गुरु अपने जिन्ना पूरे कीते सब सुपने जिन्ना पूरे कीते सब सुपने। लजपाल ने अपने लड़ लाके लजपाल ने अपने लड़ लाके सानू होर दा होर बना छड़िया। गल लाके खोजिया कमलिया किवें मैं सतगुरु माझी नू भुला किवें मैं सतगुरु माझी नू ऐसे जानता कौन ने आजी नू। हर पासे तेरी रहमत है हर पासे तेरी रहमत ने सच्चे तोते दा डंका बजा छड़िया। गल लाके खोजिया कमलिया नू सतगुरु जी ने कर्म समा छड़िया। क्या सतनाम जी ने कृपा कीती है सानू नाम दवाई दीती है सानू नाम दवाई दीती है। दर दर ते रुलदियां जीवानू दर दर ते रुलदियां जीवानू अनामी दाम पहुंचा छड़िया। गल लाके पोजिया कमलिया नू सतगुरु जी ने कर्म समा छड़िया। सानू मंगना पिया ना दर दर ते सानू मंगना पिया ना दर दर ते ऐसा खैर सतगुरु जी ने पा छड़िया। धनंदन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इंसान भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे। धनंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर शय में प्रभु बसता है, हर दिल को तू खसता है। हर शय में प्रभु बसता है, हर दिल को तू खसता है। समाया तो जहां मैं तू, जमी और आसमां में तू। हमने जब तुझको देखा, कई बदल कमों की रेखा। खजाना प्रेम का पाया, तराना प्रेम का गाया। हर शय में तू बसता है। जब तू ककन से आया, हर जर्रा मुस्कुराया। जब तू ककन से आया, हर जर्रा मुस्कुराया। तू लाजवाब वो आफताब, हर दम वो चमक रहा। समाया तो जहां मैं तू, जमीं और आसमां में तू। हर शय में तू बसता है। रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी। रहमत बिना तुम्हारी औकात क्या हमारी। परवरदिगार तेरा है पार, नहीं कोई पा सकता। समाया तो जहां मैं तू, जमीं और आसमां में तू। हर शय में प्रभु बसता है। बहार तू है, दिल का करार तू है। जाने बहार तू है, दिल का करार तू है। तू है वो प्यार ऐसा भंडार, सागर में समाए ना। समाया तो जहां में तू, जमीन और आसमां में तू। हर शय में तू बसता है। जी प्यारे तुझ संग है सब नजारे। शत नाम जी प्यारे तुझ संग है सब नजारे। तेरी मेहर की आटों पहर की जीवन में जरूरी है। तू आया तो जहां में तू, जमीन और आसमां में तू। हर शय में तू बसता है, हर दिल को तू खसता है। समाया तो जहां में तू, जमीं और आसमां में तू। हमने जब तुझको देखा, कई बदल कमों की देखा। खजाना प्रेम का पाया, तराना प्रेम का गाया। हर शय में तू बसता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। असी सारे नजारे देख लाए, गुरु चरना जी हा नजारा ना। गुरु चरना जी हा नजारा ना। गुरु चरना जी हा नजारा ना। असी सारे नजारे देख लाए, गुरु चरना जी हा नजारा ना। अजमा के प्यारे देख लाए, कोई सतगुरु जी हा प्यारा ना।
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਹਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਸਾਰੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਥ ਗੁਰ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਪੁਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਥ ਯਾਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਂਗਾਂ ਝੂਟ ਲਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਹਾਕੀ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਮਿਲਣਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਚਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਮਾਲਿਕੀ ਸਜਣਵਾ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੇ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਭੱਟ ਮੇ ਜਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਬਰਫ ਕੇ ਪਹਾੜ ਕੇ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਆਜ ਲੋਕ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈ ਬਦਲੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਦੂਸਰੋ ਮੇ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਾਲਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮੀਓ ਕੋ ਮਾਨ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੀ ਆਜ ਰੀਤ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਯੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਭੀ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਏਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਲਈ ਤੜਫੇਂਗੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹੇਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਖੁਦ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਗੀ ਖੁਦ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੋਗਾ ਪਰ ਆਜ ਕਾ ਦੌਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗਾਣਾ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਨੰਬਰੋਂ ਕਾ ਚੱਕਰ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਕੋਈ ਔਰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਔਰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਪਾਏ ਖੁਦ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਮੇ ਆਜ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਾ ਚੱਕਰ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਓ ਮੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇ ਲੋਕ ਪੀਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ
उसकी वजह ये है। पर आप राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में पीछे ना रहो। आप अच्छे नेक कर्म करते हो, आपकी कोई हाजिरी लगवाए ना लगवाए, भगवान की दरगाह में तुरंत हाजिरी लग जाया करती है। क्योंकि इस क्षेत्र को दुनिया के क्षेत्र से अलग रखो। यहां राम नाम चलता है, ओम हर अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति चलती है। वहां कुछ भी आप कर्म करते हैं, आप जो करते हैं वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होते हैं। ये नहीं होता कि आप सोचें यार मेरा नाम तो हुआ नहीं, मेरा नाम तो बोला नहीं गया। क्योंकि नंबरिंग का चक्कर तो हर जगह है, राम नाम के क्षेत्र में भी लोग नंबरिंग में पीछे नहीं रहते एक दूसरे से। लेकिन ये आपको गारंटी देते हैं, यहां जो करेगा वो ही पाएगा, दूसरा खाली रह जाएगा। आप सेवा करते हैं, आपकी भावना शुद्ध है, आज नहीं तो कल। क्योंकि रूहानियत में एक हकीकत है जिसे वो खजाने रहमो करम के लुटाता है उसे वो पहले अजमाता है, और अजमाने के बहाने ही खजाने माल और माल करके दोनों जहां के लुटाता है। सो हो सकता है आपकी अजमाइश चल रही हो, आपका नाम इसलिए ना आ रहा हो, और आप कहीं पूछना उठा जाना, मतलब भागी ना जाना कि यार कोई यहां कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेवा करे तो भी वैसा, नहीं करता वो भी वैसा। ये आपका भ्रम है। आप सेवा करते हैं, वचनों पे पक्के रहते हैं, सुमरन करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, आप ही नहीं आपके कुलों का भी उद्धार हो रहा होगा। आपको नजर आए ना आए वो बात अलग है, पर 100% ऐसा हो रहा है। हाँ, आप मनमते चलते हैं, बुरे कर्म करते हैं और शातिर बनते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। आप मानो ना मानो उसका असर भी आप पे और आपके कुल पे हो रहा होगा। अच्छा आदमी वो होता है चाहे उसे कोई कहे ना कहे, पर गुरु के वचन को सहज लेके मान ले, कैलकुलेशन करे कि हाँ यार फकीर कह रहा है तो मैं देखूं मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। साफ सा पता चल जाएगा कि आपके परिवार में आपके कुल में कहां उद्धार हो रहा है और कहां बेड़ा डूब रहा है। और अगर बेड़ा डूब रहा है तो इसका मतलब उनके भी कर्म और आपके भी कर्म मिलके आप गलत कर्मों की तरफ जा रहे हैं। और अगर तर रहा है तो मान बड़ाई ना करो, मालिक की रहमत समझो जिसने आपसे अच्छे कर्म करवाए। क्योंकि आदमी इस कलयुग में अपने आप अच्छे कर्म उतने नहीं कर पाता जितने मालिक के रहमो कर्म से होते हैं। आप एक कदम चलो, मालिक हजारों कदम आपको रहमो कर्म के लिए बड़े चले आएंगे। तो इसलिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप खुद कैलकुलेट करो कि हाँ भाई ये है ये है ये है, ये कमी नजर आएगी और उस कमी को दूर कर डालो, फिर से जिंदगी में बहारें छा जाएंगी। पर आदमी आदमी की बात छोड़ो, गुरु पीर फकीर की बात को भी सहज नहीं लेता। दुनिया में कलयुग में दौर ही ऐसा चला हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे बेपरवाह जी, कैसे आज से 20 साल पहले 22 साल पहले हमसे कलवा देते थे और कैसे आज का युग है, आज का टाइम है। सत्संग में भी हमें कोई बात कहते हुए सोचना पड़ता है कई बार, यार ये बात किसी को बुरा, लेकिन सत्संग तो फिर सत्संग है, सतगुरु मौला रुकते नहीं, कलवा देते हैं। पर आम अगर आदमी की नजरिए से देखें तो वाकई ये लगता है कहीं ये बात किसी को चुभेगी तो नहीं, पर सतगुरु कहता है ये एक चुभने वाला नहीं है, या हजारों का घर बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात ना कही। कहो, क्या पता हजारों में से 100 ही सुधर जाए, वो ईशाबश। तो इसलिए सच कहना पड़ता है। तो हाथ जोड़ के आप सब मुरीदों से मालिक के जो अखवाते हो कहलवाते हो यही गुजारिश है, हमारी बात को बुरा ना माना करो। हमें तो जो मुर्शिदे कामिल हुक्म देते हैं वही करते हैं। आप अपने आप को गुरुमुख कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, आपको अगर गुरु कहे कि आप बोलेंगे नहीं, बोलना ही पड़ता है 100%। तो वही हाल हमारी, ये माइक की क्या ताकत ये बोल दे, हम बोल रहे हैं तो ये बेचारा आगे आप तक पहुंचा रहा है। तो हम तो माइक हैं, जैसी मैं आवे खसम की वाणी, जैसा खसम ख्याल देता है आपकी सेवा में अर्ज कर देते हैं। तो आप बुरा ना मनाया करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। ये घोर कलयुग है, बोला जो बुलाएंगे सतगुरु जरूर, जो आपकी कमियां हैं आप जब तक दूर नहीं करते।
कई बार पता नहीं किसी बच्चों ने कहा या किसी ने पर्ची दी, गुरु जी आप बार बार वही बात कहते रहते हो। हमने कहा बार बार वही गलती करते रहते हो, इससे हमें बार बार सतगुरु वही बात कहलवाते रहते हैं। आप भी बार बार वही गलती करनी छोड़ दो, हम भी बार बार वही बात करनी छोड़ देंगे। तो चक्कर ये पड़ा हुआ है, भीट चिकने घड़े, हिंदी में कहते चिकना घड़ा, जिसपे एक बूंद नहीं ठहरती। जितना कहा इधर से सुना और इधर से सीधे ही पार, अंदर वाले तो खाने ही खत्म हो गया, सुर इधर सुना और इधर से पता नहीं कब निकल गया। सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत लोग हैं जो वचन सुनते हैं और मानते हैं, उनकी पावर बची, यानी कोई कमी ना अंदर ना बाहर रहेगी, रह रही है तो जरूर खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो भाई इस घोर कलयुग में हर कोई अपना उल्लू सीधा करने की ताक में घूम रहा है, पर एडा भोला कसम नहीं जड़ा मगर चलित्र ना जाने, ये घर विच ओही हो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जाए। वो अल्लाह वाहिगुरु राम इतना भोला नहीं, उसने आदमी का दिमाग बनाया, आदमी ने सुपर कंप्यूटर बनाया, रावण ने एटम परमाणु कंधे पे लटकाया, ऐसे ऐसे दिमाग दिए इस दुनिया में उस मालिक ने। दिमाग तो सबको ही वैसा मिला हुआ है पर इसका काम ही नहीं लेते। घी तो सबके घरों में होता है, जाट जमींदारों में कहावत है, खाने वाला बहुत कम होते हैं, असर तो उसी पे होगा ना जो घी खाएगा। कहने का मतलब दिमाग तो सबको मालिक ने दे रखा है, पर अच्छाई में नेकी में भलाई में जो इस्तेमाल करेगा इस दिमाग का, खुशी तो उसी को मिलनी है ना। पर ये दिमाग का इस्तेमाल आजकल टांग खिंचाई लेग पुलिंग में चल रहा है, बदला लेने की ताक में चल रहा है, अपना उल्लू सीधा करने की ताक में चल रहा है। तो जब तक आदमी इन गिरी हुई चीजों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मालिक के रहमो करम का हकदार नहीं बन पाएगा। आप ध्यान ना दीजिए दुनिया की तरफ क्या कर रहे हैं, बस आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, बुरा ना मनाइए, एकांत में बैठ जाइए, सुमन कीजिए, क्या वाकई आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा पीर फकीर आपसे उम्मीद करते हैं। घर गृहस्थ वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सतुरंचारी ब्रह्मचारी, जो भी आप जैसी भी जिंदगी को आपने चुन रखा है, क्या वाकई उसके अकॉर्डिंग आप जीवन जी रहे हैं? बस आप कैलकुलेट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद मालूम है आप क्या कर रहे हैं। बुरा ना मानो, यहां आप गलतियां कर रहे हैं, आप ही नहीं परिवार भी भर रहे हैं। क्यों हमें कई बार कई लोग कह देते हैं ऐसे क्यों करूं मैं, भरे वो। तो जब ये वचन होते हैं कि भाई आप सेवा करोगे, सुमण करोगे, सत्संग करोगे तो आपकी कुलें तरेंगी, तब तो बड़ी तालियां मार दोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब तो नहीं कहते सिमण मैं करूं, सेवा मैं करूं, वो क्यों उतर रहे हैं, तब तो नहीं कोई सवाल करता भाई। और जब ये कहा जाता है कि आप गुनाह कर रहे हो, आप बुरे कर्म कर रहे हो, फूलों को भोगना पड़ेगा, तब गड़बड़ होते हैं, ऐसे कैसे है? जैसे वो वैसे ये। तो इसलिए आपसे गुजारिश, आप कर्म ही ऐसे ना करो ना जिससे आप दुखी रहें या परिवारजन दुखी रहे। मन नहीं मानता सुमण करो, करो घंटा सुबह शाम, देखते हैं मन मानता कि नहीं। सुमरण नहीं होता रोटी छोड़ दे, रोटी कैसे खा लेते, वो तो खानी पड़ेगी, तो सुमरण भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो आम तौर पे ये देखा गया है, तभी घरों में कलह क्लेश रहता है, तभी तालमेल नहीं बैठता। सत्संगी के तो हो ही नहीं सकता कि कलह क्लेश हो जाए, कारण लोभ लालच या किसी चीज का लालच पैदा हो गया, सुमरण नहीं किया, घंटा सुबह शाम सुमरण नहीं करते, खाना वगैरह सुमरण करके नहीं बनाते, वचनों पे अमल नहीं करते, वचनों के पर कच्चे उड़ाते हैं, और जी हजूरिया यानी दिखने में भक्तजन हैं और करने में अभक्तों से भी काफी आगे हैं, कर्म पापियों वाले और दिखावा भक्तों वाला, ये डबल दोगला मालिक की दरगाह में मंजूर नहीं होता। हमें तो क्या है, हम तो चुप रहते हैं, आपको बोला थोड़ा सा बोला भी गड़बड़ हो जाता है, हम तो चुप ही रहते हैं भाई, शांत रहो। बहुत कोशिश करते हैं, पहले हम मिलते सेवादारों को बात करते फटाक से मुंह पे कह देते, आज आपको हकीकत बताते नहीं कहते, जो कोई इसका अधिकारी है उसे तो चाहिए कह दें, क्या पता किसका मन कब पूंछ मुड़ जाए, कब मरोड़ा खा जाए और उसकी करी कराई भक्ति को माटी में मिला दे। इसलिए चुप रहते हैं कि नहीं भाई शांत रहो। बाई चांस कभी कभार ऐसा कह दिया जाता है और फिर हम निगाह मारते तो ओह ये क्या हो गया, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये आपको हकीकत बता रहे हैं इस कलयुग की,
इतना घोर कलयुग का समय, यानी बात भी फकीर सोच के करता है। आम आदमी की तो बिसात क्या कि आप बात कह लो और लोग सहज मत ही मान लें, ऐसा घोर कलयुग का टाइम है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है, कम से कम अपने गुरु पीर फकीर को तो छोड़ दिया करो कि यार वो बात कहते हैं, किसी को पर्सनल नहीं कहते, सबके लिए वचन है, सबको कहा जाता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आप ही दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, हमें उसका दुख बहुत लगता है कि भाई ये मालिक की औलाद भक्त बन रहे हैं, मालिक इनका भला करे, इनके कुलों का उद्धार हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वचन मान रहे। सो मालिक से यही दुआ है कि आप सत्संग सुने और अमल करें, ताकि सत्संग का पूरा पूरा फल आपको, आपके कुलों को मिले और दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस मृत्यु लोक में जीते जी आप बन सके, ताकि मरणोपरांत के नजारों का आपको पता चल सके। जी तो आज भारत में बात होनी है जी, जयपुर राजस्थान से बात करने वाले हैं। बोलो बेटा, बात करो। पिताजी धनमन सतगुरु त्रासा, जयपुर से उदित इंसा बोल रहा हूँ सरपटिया पिताजी। पहले पूजनीय माता जी के जन्मदिन की बधाई और आपके 15 अगस्त के जन्मदिन की बधाई। और पिताजी आज जैसा कि आपको पता ही है, बेटा डायलिसिस इस पे पड़ा बीमार है, आपको पंडित जी ने बता ही दिया होगा, हालत अभी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों के हिसाब से चांस बहुत कम है। तो मेरी आपसे अर्ज है कि रहम करो मेरे ऊपर और इस बच्चे पर रहम करो। और पिताजी और मैं क्या कहूँ, आप सब जानेदार हो जी। सुरजीत जी, आप सारे परिवार वाले पास बैठ के सुमन करो, उम्र तो भगवान ने देनी है बेटा। हमारा जो फर्ज है, हम मालिक से यहाँ दुआ करते हैं कि मालिक रहमत करें, बाकी आप सारे परिवार वाले पास बैठ के सुमन करो कि मालिक दया कर, बाकी उम्र श्वास तो वो देने वाला है मालिक। सो आप लगातार सुमन करें, टेंशन ना लें बेटा, क्योंकि करना तो मालिक ने है, आदमी क्या कर सकता है, आदमी तो प्रेयर कर सकता है, दुआ कर सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारे परिवार वाले पास बैठ के, ज्यादा ऐसे नहीं हो सकता तो एक बैठ जाओ सुमन करो दो घंटे, दूसरा उसकी जगह आ जाओ, तीसरा उसकी जगह, ऐसे कंटिन्यू उसके पास लगातार सुमन चलता रहे, बाकी मालिक से दुआ करेंगे बेटा। मालिक तो मेरे साथ बात कर रहे हैं पिताजी, मालिक तो मेरे साथ साथ बात कर रहे हैं और मालिक मेरे साथ है, ये तो मेरे को भरोसा है। पर अब ये कितना जल्दी होता है यार, ये आपके ऊपर निर्भर है पिताजी, अब कितना जल्दी आप खड़ा करते हो। बाकी अब मैं क्या कहूँ पिताजी, और यहाँ पे पास में जाने की बात कर रहे हो ना, आकाश में तो ये यहाँ पे आईसीयू के अंदर है, वार्ड के अंदर जाने ही नहीं देते पिताजी, बाहर बैठ के स्मरण करते हैं जी। बेटा जी, बेटा आप यहाँ भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं, बिल्कुल पास की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए सुमन करते रहिए। मतलब हमारा यही था कि आसपास कहीं भी था कि ध्यान आपका उस बच्चे के लिए रहे, मालिक से जब दुआ करें। जरूर बेटा, जरूर आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे। अब पिताजी और बताओ क्या करूँ मैं, बताओ। इससे बड़ी चीज और कोई नहीं बेटा, सुमन से बढ़ के दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। बाकी डॉक्टरी इलाज तो जैसे आप कह रहे हैं चल रहा है, आप वो तो हो रहा है, तो आप ये चीज बड़ी है, इसके लिए आप लगे रहें पिताजी। आप आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद होगा तो ये खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, हम तो बेटा हमेशा ही आशीर्वाद कहते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हम तो कभी नहीं चाहते किसी पे कोई गम दुख दर्द आए, पर कर्म, संचित कर्म बहुत बड़ी चीज होते हैं। सो आप लगातार सुमन करें बेटा, जरूर दुआ करेंगे। पांडे जी ने हमें बताया था आपके बारे में और इसलिए हमने बोला था कि शाम को बात करवा देना। आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस सुमन करते रहें बेटा। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। देश विदेश में लगभग 461 की गिनती में सात संगत टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस, 461 की गिनती में, पता नहीं क्या लिखा, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रहे हैं जी, मतलब 461 ही आदमी है, इसका तो मतलब यही हुआ। और लाइव वीडियो पर 1595 कनेक्शन, पहले तो कनेक्शन होता था टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के, हजारों की तादाद में लोग लाइव देख रहे सुन रहे हैं जी। सबको आशीर्वाद, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद।
सनप्रीत इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी आज मेरी पत्नी रमनदीप इंसा का जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहिए, जन्मदिन मुबारक बेटा, अच्छे नेक इंसान बनना, आपस में प्यार रखना। रमेश इंसा बर्लिन जर्मनी, प्यारे पिताजी आज मेरी बेटी अमन इंसा का स्कूल का पहला दिन है, पाठ्य सामग्री है उस पर दृष्टि डलवाना चाहते हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद सारे समान आशीर्वाद बेटा, अच्छी नेक बनना बेटा, आगे बढ़ना आशीर्वाद। विवेक इंसा व मालती इंसा केप टाउन साउथ अफ्रीका, प्यारे पिताजी हमारे बेटे आदित्यन का पहला जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं, बदाम में प्रसाद बना दीजिए, बच्चे को जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, और इस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि अच्छा इंसान बने, और प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी सतीश इंसा, सोनू इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, सत्संग ठीक है बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद सो प्रसाद ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद एमएसजी एडम में मिल लेना बेटा। पहली बार विदेश जाना है जी अमनदीप कौर टोरंटो कनाडा, वचनों पर रहना, सुमन करना बेटा, और एमएसजी एडम ब्लॉग में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद बेटा। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और जिद के मध्य में बैंक में 7770 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम जसवंत इंसा, पुत्र चंद्र सिंह इंसा जी का निवासी प्रीतनगर सरसा, लड़की का नाम लक्ष्मी इंसा, पुत्री प्रेमचंद इंसा की, ये भी निवासी सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेक्स्ट पहले फिर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखियों के मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम उमेश कुमार, पुत्र दीना नाथ इंसा जी का निवासी रानिया जिला सरसा हरियाणा, लड़की का नाम पूजा इंसा, पुत्री मोहनलाल इंसा जी की, ये निवासी सरसा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, विवाह शादी के दिन भी मानवता की सेवा करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। शास्त्राम जी की नेशन का परिचालन वाले तीन भाई एक बहने खड़े हो जाए, 6 भाई 29 बहने मानवता की इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भरने वाले, तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, आप प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से माला माल करे, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल जूडो स्कूल स्टेज प्रतियोगिता में 6 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए, शाबाश बच्चों, प्रसाद लेना, बच्चनों पर रहना बेटा, और आगे बढ़ो, मालिक से दुआ करते हैं आशीर्वाद, प्रसाद लेना, शाबाश जी बेटा आशीर्वाद। एक्स स्टूडेंट अतुल इंसा पूना से आए हैं जी, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, स्वागत बेटा आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 33 दिन वाले, ब्लाक असंध से 18 सेवादार 8 दिन की सेवा, ब्लाक ग तो ट्रैक्टर के नाल 23 दिन की सेवा, खड़े हो जाएं, जितनी सेवा की सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के माल के बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा सिमर मन लगे, प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद देना, नारा लगा के बैठ जाओ जी। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी, तो मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करके प्रसाद देते हैं, जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग जी को दे करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी बाहर से अगर फायदा नहीं, यहाँ हॉस्पिटल है और गरीबों का इलाज सत्संग की तरफ से बिल्कुल फ्री है जी, तो आप वो प्रसाद ले लें जी बीमारी वाला। खाने पीने में अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे।
तीन परहेजों में पहली बार गलती हो गई। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां पीछे चली जाती। अगर गलती हो गई पहली बार तो खड़े हो जाओ, अभी खड़े होना होता है। इधर बुजुर्ग माता जो है वो बहुत बाद में होती है, तो कोई माफी नहीं मिलती। आप खड़े होते रहो, बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। हाँ, जो अभी से खड़े हो जाएंगे और खड़े रहो अपनी जगह पे, माफी उनको मिलती है। इधर उधर मत देखो, शर्म ना करो। गलती हो गई तो आप माफी ले लो। हाँ, आप शर्म शर्म में अपनी सारी खुशियां डुबो बैठेंगे। हाँ, खड़े हो जाओ ना ऐसे अच्छी तरह से, तो खड़े रहो। आप घबराओ नहीं, सच्चे दिल से आज अगर तौबा कर लोगे, सुमन करोगे, तो मालिक फिर से खुशियों के ढेर लगा देंगे। बस आगे से गलती ना करना। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। और नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप मालिक जरूर माफ करेंगे और आइंदा गलती ना करना चाहिए। सेवा वाला प्रसाद दोबारा लिया, सेवा पर नहीं आए, बचन नहीं माने, अश्लीलता देखिए, आश्रम से फल तोड़ के खाया, सेवा द्रोण गुस्से में बोला, प्रसाद खराब हुआ, सुगुरु खराब हुआ, झूठी कसम का जीव हत्या हुई, नारा लगाया था, पूरा नहीं किया, शादी में शराब पिलाई। तो आप खड़े होके नारा लगा के बैठते जाओ, कोई भी गलती कभी ना दोहराओ। हाँ, बैठते जाओ, बैठ जाओ जी, मालिक माफ करेंगे। दूसरी बार माफी लेनी, दो महीने सुमण किया, वजिंद्र इंसान, लगातार सुमण करो बेटा, सुमण चलता रहे, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करने वाले। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मिलती, दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूजे पिताजी अवतार मां की खुशी में मनदीप सिंह इंसान यूएसए 11,700, रमेश इंसान बर्लिन जर्मनी 11,000, हरप्रकाश कौर इंसान कैलगरी कैनेडा 5,000, सनप्रीत इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया 7,777। अगर यहां कोई है तो खड़े हो जाए। इनके अलावा 72 बहन भाइयों ने दीन दुखी मद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। खड़े हो जाएं जिन्होंने दीन दुखी मद आज बैंक में पैसे जमा करवाए हैं जी। एक कार्ड आया है, आज दिल पूछ बेटा अपनी ही तस्वीर से तूने क्या पाया है अपनी तकदीर से। हमने आपकी तस्वीर दिल के आईने को दिखाई और कहा ऐसे प्यारे से पापा को पाया है दुनिया की भीड़ से जी। वाह प्यारे पापा जी, आप जी की पावन अवतार मां की खुशी में ब्लॉक बटरलाइन के प्राइमरी हॉस्टल के नन्हे मुन्ने छात्र पे सेवादार बहनों ने दीन दुखी मद बैंक में 15,000 रुपए जमा करवा दिए जी। खड़े हो जाए। सेवादार बहनों ने 12 जनों ने ब्लड डोनेट भी किया है, 100 पौधे भी लगाए हैं जी। हम सभी की अर्ज है कि हम मानवता भलाई के कारण में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। और सम सेज आई लव यू, सम सेज आई लाइक यू, वी वॉन्ट टू से नो लाइफ विदाउट यू बाबा, ऑलवेज कीप अस इन यूर स्वीट लैप बाबा जी। तो एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। खड़े हो जाए बेटा। तो आप सबका सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, बच्चों पढ़ाई में गेमों में अच्छे कामों में तरक्की करे और सेवादार को तो सेवा सिमरन का फल मालिक बढ़ चढ़ के बख्शे, मालिक से ओढ़ने पे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, बाद में प्रसाद ले लेना जी। बैठ जाए, बस वचनों पर पक्के रहो, फिर कोई कमी नहीं आती। जब आप वचनों पे पक्के नहीं रहते होता क्या है, मालिक की रहमत आती है। मान लीजिए आपकी झोली में हीरे जवाहरात डल रहे हैं, हीरों की करोड़ों में पैसा लगता है, तो मान लीजिए हीरों की बरसात हो रही है और आपकी झोली में सीधी आ रही है लेकिन झोली फटी हुई है, और जो नीचे गिरेगा वो सवा हो जाएगा। अब बताओ आपके पास क्या रहेगा। वो वाली बात है, रहमत आती है, आप वचनों में गलती कर देते हैं, जोड़ी फटी होती है, वो आती रहती है मूसलाधार और चली जाती है। वचनों पे अगर पक्के रहो तो सारी रहमत आपके दामन में झोली में बस जाए, आप तो क्या कुलों का भी उद्धार हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाए। सो वचनों पे रहा करो। जिनके परिवार में किसी ने जोड़ा छोड़ा, ऐसे चार परिवार आए हैं जी, सुनाम, शेरगढ़ टापू करनाल, देहला संगरूर और मलोट मुक्सर। खड़े हो जाए जी। एक ही आंखें दान हो, आंखें दान महादान, सभी ने नाम लिया था, दो परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। खड़े हो जाएं, परिवार दोनों तरफ आया, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाता है, सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा जी। प्रसाद ले लें जी बेटा, आशीर्वाद। और जो भी साथ संगत नशा छोड़ने वाली कोई आए हैं भाई, चरस हेरोइन स्मैक भांग धतूरा अफीम शराब, कैसा भी गंदा मेडिकल नशा आप करते हैं, 7 दिन के लिए यहां रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे
सात दिन सेवा सिमरन से नशा छूट जाएगा, पर रहना फ्री खाना फ्री, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल है दवाई भी फ्री। तो यहाँ जिम्मेवारों का आपने मिल लेना है, आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो आशीर्वाद बेटा, अब आदमी प्रसाद ले लेना, बैठ जाए। शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए सास संगत में से कोई आशीर्वाद लेने आया है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी सास संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सास संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नू श्याम दिल के दे मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन्नन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। और सभी पक्की समिति के सेवादार जिम्मेवार, सभी पक्की समितियों के जिम्मेवार भाई और बहनों की जो जरूरी मीटिंग है वो यहीं शेड के नीचे होगी, तो उन्होंने